मैं हूँ आपके साथ परीक्षा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया इंडिया गठबंधन फिलहाल शांत दिख रहा है। इस गठबंधन के सभी दलों के नेता भी गठबंधन की अगली रणनीति को लेकर अभी चुप हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को छोड़कर पीडीए का राग अलाप रहे हैं। हर बैठक और जनसभा में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन नहीं पीडीए की चर्चा करते हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर बयान दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में एक सभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए की ताकत है जो हराएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार के आने के बाद जातीय जनगणना कराने की बात भी कही है और पीडीए स्ट्रेटजी पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। वहीं अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस को लेकर तल्ख नजर आए। सपा मुखिया ने क्या कहा आप भी सुनिए। देखिए, जो मध्य प्रदेश में बात खत्म हो गई है उस बात को हम लोग ना उठाएं। ये शायद हमारी समझ के बाहर था या हमने ज्यादा समझ लिया हो और किसी के साथ बैठ करके ज़्यादा भरोसा हो गया हो, इसलिए मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में अगर उनके लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें साथ लेकर के चलेंगे। क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं है। इसी कड़ी में अब बीजेपी भी पीछे नहीं हटती हुई दिखाई दे रही है। दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए का अलग अलग फुल फॉर्म है। एक को अगड़ा में शामिल करने पर दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या वो अब अल्पसंख्यकों को छोड़ देंगे। क्या कहा उन्होंने आप भी सुन लीजिए। उनसे पीडीए का फुल फॉर्म पूछे, रोजो का फुल फॉर्म भी अलग अलग बता रहे हैं। अब तो अगड़ा बता दिए पहले अल्पसंख्यक से अगड़ा, तो क्या अल्पसंख्यक को छोड़ देंगे वो? उनसे पूछे कि अल्पसंख्यकों को आप छोड़ रहे हैं या अल्पसंख्यक आपको छोड़ रहे हैं? वो जाति में फिर जब आप अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित तीनों ले लिए तो आप क्यों नहीं कहते सनातनी? आप ये कह दो सनातनी, यानी एस सनातनी और एस अल्पसंख्यक। आपको मैं ऐसे हूँ, ये केवल मत भ्रम है। ये सब लोग दिग्भ्रमित हैं और ये भी चाल बदलेंगे, ढाल बदलेंगे, भेष बदलेंगे, चुनावी रूप रखेंगे, मौसमी पंडित बनेंगे, मौसमी पुजारी और मौसमी मौलवी बनेंगे, ये मंदिर जाएंगे, ये मस्जिद जाएंगे और बाद में केवल ये करने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए इटली और पेरिस जाएंगे चुनाव के बाद। इन पे कोई विश्वास जनता का नहीं। तो 2024 से पहले बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अपना परचम लहराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में लगी हुई हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी विजय होती है, ये भविष्य के गर्भ में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।